आप सभी को दिल्ली वाली आंटी का नमस्कार। आज मैं आपको वेजिटेबल टोस्ट बनाना सिखाती हूँ। आज मैं आपको सूजी के वेजिटेबल टोस्ट बनाना सिखाती हूँ। ठीक है, तो मैंने ये एक गाजर, दो टमाटर, एक शिमला मिर्च और एक प्याज, दो तीन बीन्स ये मैंने ले लिया है। पहले ही चॉपर कर ली थी, आप भी पहले ही चॉपर करके रखेंगे तो आपका टाइम बचेगा। एक कप ये मैंने सूजी ली है, ये सूजी भी मैं इसमें मिला दूंगी। ठीक है, और ये मैंने एक चम्मच नमक लिया है, ये नमक भी हम डाल देते हैं। ये मैंने एक चम्मच गरम मसाला लिया है, ये भी हम डाल देते हैं। एक चम्मच लाल मिर्च है, ये भी हम डाल देते हैं। ये थोड़ा सा गरम मसाला है, ये भी हम इसमें डाल देते हैं। ये भुना जीरा है आधी चम्मच, ये भी हम इसमें मिला देते हैं। अब इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका गाढ़ा सा पेस्ट बना देंगे। कई बार होता है, ऐसा होता है कि बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं, तो इस तरह से हम बनाएंगे तो बच्चे आराम से सारी सब्जियां खा लेते हैं। और सब्जियां बच्चों के लिए आपको मालूम ही है कि भाई कितनी फायदेमंद होती है। अब हमने गैस पे तवा रखा है, ये हमारा गर्म हो गया है। इस पे हम थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं। हम इसको पेस्ट को ब्रेड पर लगा देते हैं, इस तरह से फैला दें। पतला पतला इस तरह से आप फैला दें इसको, और ये धीरे से इस तरह से रख दें। फिर हम दूसरा भी इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। ये चटनी के साथ, सॉस के साथ बच्चे बड़े आराम से खा लेते हैं। ऐसे ही हम और भी रख देते हैं बना के। इसमें आपकी समय की बचत होगी और ये सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। और इन पर थोड़ा थोड़ा ऑयल आप ऊपर भी लगा दें, जिससे करारे हो जाएंगे। तेज सॉस के साथ, हरी चटनी के साथ बच्चे बहुत पसंद करते हैं। आप चाहे तो ऑयल लगा सकते हैं, चाहे मक्खन लगा सकते हैं, चाहे आप घी भी लगा सकते हैं, जो आप पसंद करें सो लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही इनको करारे होने तक खूब अच्छी तरह से सेक के बच्चों को आप लंच में भी दे सकते हैं, आप घर में नाश्ते में भी दे सकते हैं। बड़े भी पसंद करते हैं और बच्चे भी पसंद करते हैं। 3-4 मिनट हो गए हैं, अब मैं इनको पलट धीरे से पलट देती हूँ धीरे धीरे। धीरे धीरे आप इनको पलटती हूँ। ये देखिए, ये कितने अच्छे सीखे हैं, आप देखिए कितने अच्छे सीखे हैं। अब ये हम दूसरी तरफ से भी करारे होने तक सेक लेते हैं। देखो ये 3-4 मिनट लगे हैं। अब मैं इधर से भी देख लेती हूँ सीखे हैं नहीं सीखे हैं। ये हमारे इधर से भी सीख गए हैं, इधर से भी सीख गए हैं, पूरी तरह से सीखे हुए हैं। अब ये हम गैस बंद कर देते हैं। ये हरी चटनी और लाल चटनी मैंने पहले से ही बना के रखी हुई थी, अब ये खाने के लिए तैयार है। आप इन्हें
खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। आपके लिए कोई नई चीज लेकर आऊंगी। धन्यवाद।